समाज की तरफ से मैं डॉक्टर कौशल पवार आप सबका स्वागत करती हूँ, जय भीम बोलती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा की कड़ी में बातचीत करेंगे, कोरोना संकट, सफाई कर्मचारियों की दशा और दिशा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व सांसद, लोकसभा मेंबर डॉक्टर उदित राज जी, साथ में हैं प्रोफेसर रविंदर जी, विद्याभूषण रावत जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सागर भूमक जी। मैं तमाम पैनलिस्ट का हमारे बीच में इस स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से, ग्लोबल अम्बेडकर राइट की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व आज कोरोना के संकट में जूझ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी विडंबना भी है वो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, वो भी एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं। हालांकि कोरोना संकट से पहले भी जो तमाम हमारे यहाँ जो स्कीमें चली, चाहे निर्मल भारत अभियान रहा हो, स्वच्छ भारत अभियान रहा हो, सफाई कर्मचारियों की दशा पहले भी एक थी ऐसी ही और आज भी ऐसी ही है। कोई परिवर्तन उनकी जिंदगी में हमें दिखाई नहीं देता, उनकी दशा ऐसी ही है जो पहले थी। स्वच्छकार समाज की आवाज में और ग्लोबल अम्बेडकर राइट की तरफ से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं तमाम एक्सपर्ट अपने अपने क्षेत्र के। हम सब जानते हैं कि जितना भी बजट लोकेट होता है सफाई कर्मचारियों के ऊपर, कितना लोकेट होने के बावजूद कितना खर्च किया जाता है। आप सब से मैं जानना चाहूंगी कि आज कोरोना संकट के इस दौर में हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी दशा क्या है। मैं सबसे पहले आना चाहूंगी, हमारे बीच में हैं पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ के अध्यक्ष भी हैं, और तमाम हमने आपको देखा है कि भोपाल का जो परिपत्र था उसमें आप प्राइवेट रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर में आपने बहुत अच्छे से काम किया, और तमाम आप राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक आंदोलनों में जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सफाई कर्मचारियों की दशा कैसी है, और खासकर बजट में जो बजट लोकेट होता है, अभी स्वच्छ भारत अभियान में भी हुआ, और अब जब कोरोना संकट में हम जूझ रहे हैं, उनकी दशा को आप कैसे देखते हैं, डॉक्टर उदित राज सर? क्योंकि दशा जो सबसे ज्यादा खराब हुई है, निजीकरण से खराब हुई है। तो प्राइवेटाइजेशन को रोक नहीं पाए, और दूसरा कि जो सरकार में इनके लिए इंतजामात हैं, जो बजट है वो बजट का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तीसरी बात है कि ये बजट में प्रॉपर एलोकेशन के लिए भी कोई ज्वाइंट ज्वाइंट एफर्ट या यूनाइटेड एफर्ट हमें दिखता नहीं है। और इसके सबके पीछे मैं एक सोच देखता हूं, और जो सोच गायब है, और उस बगैर सोच के बड़ा मुश्किल है। हमने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मुझे निराशा ही हाथ लगी है। मुझे मालूम है कि 2001 में जब बौद्ध धर्म स्वीकार करने का अभियान चल रहा था, तो हरियाणा के सोनीपत में हमारी यात्रा, जो धम्म वाहन था वो चल रहा था, तो हमने एक आह्वान दिया था कि झाड़ू को छोड़ करके कलम पकड़ो। अब उसके सामने एक तर्क आता है कि हम खाने बिना मर जाएं, आप हमारी नौकरी लेना चाहते हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा, जैसे सिंधी आए, पंजाबी आए, और वहां से पाकिस्तान से, और लाख 40-50 लाख जनता का उस समय आदान प्रदान हुआ था, और यहाँ तक के तंबू में रहते थे, और 3 साल तक तंबू में रहे। और करोल बाग है, चाहे कमला मार्केट है, पहले जो प्लाट हुआ करते थे, तमाम सारे दलितों के हुआ करते, तो उन्हीं प्लाटों के सामने, मकानों के सामने, ये पंजाबी समाज के लोगों ने अपना पान बीड़ी जो भी है, सिगरेट है, कपड़ा या फल फ्रूट बेचा। धीरे 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 आज इस मुकाम पर पहुंच गए। कहने का ये मतलब है कि जो एक मानसिक गुलामी है, इसके इसके बारे में भी बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। जागृति है, इनके अंदर पैदा होना चाहिए। और आयोग है, जो सफाई कर्मचारी आयोग है, उसके ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए। सफाई कर्मचारी आयोग में ऐसे लोगों को बैठा दिया जाता है, डॉक्टर कौशल पवार जैसे लोग, या इस समाज से जो जुड़े हुए हैं, या विद्याभूषण जैसे लोग जिनमें संवेदना है,
वो भी इसके ऊपर कुछ आवाज उठाए, क्योंकि जब एक आवाज है वहां पर, और अनुसूचित जाति आयोग कुछ हद तक कर लेता है, इसलिए कि समाज का दबाव है, वहां जाकर के लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोग दबाव बनाते हैं। तो जो ये सफाई कर्मचारी आयोग है, बिल्कुल एक शरणस्थली हो गई है रिटायर्ड जो पॉलिटिशियन है। और जो कोरोना के बीमारी के समय जैसे नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको पेटल सवरिंग, मतलब जो जहाज से फूल बरसाए गए और फ्लाई पास किया गया, जो जहाजे यहाँ से वहां तक करी गई, तो वो ऐसा उसमें एक सफाई कर्मचारी हाईलाइट नहीं हुई। और हमने कोशिश किया थोड़ा बहुत हाईलाइट करने का, इस पर दो चार ट्विटर ट्रेंड भी चलाना चाहिए, इस समय अच्छा मौका है। और मेरी टीम है, हमने तो 10-12 बार ट्रेंड कराया भी है ट्विटर पर, तो यह भी इस समय मांग करनी चाहिए कि इनकी वेतन बढ़े, सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़े, पीपीई किट मिलना चाहिए इनको, और इनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन वो समय अभी कब आएगा, जब एक समय में था कि जो नर्से हुआ करते थे उनको बड़ा हेय दृष्टि देखा जाता था, केरल के केवल क्रिश्चियन फीमेल हुआ करती, तो वही पूरे देश में नर्सेस का काम करती थी, क्योंकि ये हम ये जो हिंदू व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में दाई का काम करना, नर्स का काम करना नीच माना जाता था। तो 60 और 70 के दशक में जितनी नर्सेस आप देखेंगे सब केरला से, तो क्रिश्चियनिटी में सेवा भाव है, उसके वजह से वहां पर बुरा नहीं माना जाता था। अब उसी पैसे को सम्मान मिल गया है, तो इस तरह से भी करना पड़ेगा कि सैलरी इनकी बढ़नी चाहिए। और अभी के वर्तमान में जो सैनिटाइजेशन और इनको अलाउंसेस और पीपीई किट और टूल्स वगैरह की मांग की जाना चाहिए, कि एक अप्रोप्रिएट टाइम है, तो इनका वैचारिक स्तर पर भी मुश्किलाते हैं, यूनियन के स्तर पर सबसे ज्यादा यूनियन मैंने देखा कारपोरेशन में रही है दिल्ली में, और 70 के दशक में, 80 के दशक से सुनते आ रहे हैं, और बहुत सारे यूनियन है, और यूनियन रोक नहीं पाई जब निजीकरण होना लगा, ठेकेदारी होने लगी या एवजीदार रखे जाने लगे। तो कम से कम यूनियन नेताओं को एक काम तो करना चाहिए था कि ठीक है, इसका अगर निजीकरण भी हो रहा है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके हाउसकीपिंग का जॉब का ठेका तो कम से कम इनको मिल सकता था, और वो भी ठेका किसी और को मिल गया है, कि मतलब है कि इनकी स्थिति ज्यों की त्यों रही है। इसके ऊपर एक अभियान चलना चाहिए था, हमने सोचा भी था, लेकिन हमें कोऑपरेशन नहीं मिला। हर काम तो हर व्यक्ति कर नहीं सकता है, कि ये जैसे हर जिले का एक कोऑपरेटिव बने, कोऑपरेटिव के तहत ही जो मशीनें आए या मैन पावर एम्प्लॉयमेंट हो, या उसी से संचालित होना चाहिए, तो ये किया जा सकता था, लेकिन इनिशिएटिव नहीं हुआ, इनिशिएटिव लिया नहीं गया। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि आपका ये प्रयास तो बहुत अच्छा है, समय भी आपने अच्छा चुना है, इनकी जरूरत भी बहुत है इस समय, सरकार की निर्भरता भी इनके ऊपर बहुत है, इनके अंदर जान फूकने की जरूरत है, सरकार तक इनकी बात को पहुंचाने की भी जरूरत है, और लोग भी इतने समझदार हो गए हैं, अगर एक अहंकार जब बीच में आए तो इनको एक करने का भी जरूरत है। आज के समय में शारीरिक रूप से इकट्ठा होना जरूरी नहीं है, एक जूम के जरिए होता है, व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए कर सकते हैं। हमारे साथी विनोद कुमार जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कल ही मैं उनसे बात कर रहा था कि भाई एक बहुत अच्छा समय है, लेकिन डॉक्टर कौशल पवार जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हर लड़ाई में पीछे नहीं रहती, तो अब ये भी बेड़ा उठा रखा है, तो इसको और लॉजिकल एंड तक ले चलिएगा, मैं यही कहूंगा। तो ये मल्टीपल समस्याएं इनकी है, तो सर, मैं इसका आपसे अंबेडकर आपसे वादी भी और बनाए। चीज जानना चाहती हूँ सर। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, मैं फिर आती हूँ दोबारा आपके पास लौट के, और आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जो बजट जो एलोकेट करती है सरकारें सफाई कर्मचारियों के नाम पे, या कहिए
की पीपी किट जो उपलब्ध करवाएगी, उसका क्या एक वहां तक पहुंच पाती है या नहीं पाती है? मैं इस प्रश्न को आपके ऊपर छोड़ती हूँ सर। दोबारा दूसरी बार मैं आपके इसी प्रश्न का जवाब लेने के लिए आपसे आऊंगी। हमारे साथ अभी जुड़े हैं गुरुजी, कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं। आप स्कूल चलाते हैं जालंधर में, उसके निर्माण में आप लगे हुए हैं, और तमाम झाड़ू से कलम तक पहुंचाने की जो कोशिश आपकी है। गुरुजी आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमलेश्वर राज आदिवंशी जी, राज आदिवंशी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी मेरी आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं पा रही। जब उनसे उनसे दोबारा फिर मुलाकात होती है। इतना हम प्रोफेसर रविंदर जी जो पटियाला यूनिवर्सिटी में वाल्मीकि चेयर पर काम करते हैं, रिसर्च फेलो हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी और महर्षि वाल्मीकि, क्योंकि आप एक चेयर पे काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो हाँ इनका संबंध आप कैसे बोलिए देखते जी। हैं? प्रोफेसर रविंद्र जी जी ये तो शुरू से आदिकाल से ही चलता आ रहा है संबंध, क्योंकि जो भगवान वाल्मीकि जी को जीवित रखा हुआ है तो इस समाज के कारण ही है। तो उनकी शिक्षाएं हैं, जो रामायण है उनका ग्रंथ है आदि, तो उन्हीं से सारी सृष्टि चल रही है, तभी उनको हम सृष्टिकर्ता मानते हैं। तो ये जो वाल्मीकि समुदाय का संबंध है, तो ये इनकी मतलब ये इनका बहुत गहरा संबंध है। जैसे आत्मा का शरीर से होता है, ये शरीर में से आत्मा निकल जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है शरीर का, वैसे ही ये जो वाल्मीकि समाज है हमारा, उसका भगवान वाल्मीकि से बहुत गहरा संबंध है। उसी के कारण ये परंपरा चलती आ रही है उनकी। वैसे तो पुराने समय में अगर 8वीं शताब्दी से पहले, यानी कि ईसा से पहले की बात करें, तो 8वीं शताब्दी तक तो ये सारा भगवान वाल्मीकि जी की अच्छा पूजा भी होती थी, उनका वो करते थे चर्चा है सब। क्या? तो जी उनकी पूजा होती थी, क्योंकि वो सारा कुछ उस समय चलता। तो बाद में जैसे ये परंपरा चलती गई धार्मिक, तो उसके कारण फिर इनको वंचित कर दिया गया, संस्कृत से वंचित कर दिया गया समय समय अनुसार, तो इनको दलित बना करके। तो इन्होंने छोड़ा नहीं है, ये नीचे तक भी चले गए। अभी जो भगवान वाल्मीकि जी छवि है, इन्होंने वहां तक कर दिया है, झाड़ू तक कर दिया है इसको, पर फिर भी वो मंदिरों में सफाई का काम पे लग गए, तो उसके साथ उनके साथ सफाई का जुड़ गया काम। अभी दर्दनाक है उनकी स्थिति। कोई जैसे आपने बताया है कि जो पैसा जो पेट, उनको कोई भी सहूलतें नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर भी वो काम कर रहे हैं अपना, देश प्रेम है उनका भारत के साथ, उन्हीं से ये सारा चल रहा है। संस्कृत की कमी होने के कारण तो थोड़ा पिछड़ा हुआ है समाज। तो जो भगवान बुद्ध जी की है सारी परंपरा, वो जो भी फिलॉसफी है उनकी, वो सिर्फ भगवान वाल्मीकि जी का ही अवतार है उनका, क्योंकि जो सारा लिटरेचर है ना, वो जो सारी शिक्षाएं हैं बुद्ध धर्म में, वो सारी फिलॉसफी भगवान वाल्मीकि जी की है। जर्मन में देख लीजिए आप, 1800 कॉलेजेस हैं, संस्कृत के विद्यालय हैं, तो वहां पे संस्कृत पढ़ाई जाती है। सारी दुनिया ने अडॉप्ट की है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत के निर्माता ही हो, संस्कृत का जन्म उनके मुख से ही हुआ। आप सभी को पता ही होगा कि जैसे जब वो भगवान वाल्मीकि जी भी तमसा नदी पे स्नान करने गए थे अपने चेले भारद्वाज के साथ, तब जब वो शिकारी ने, निषाद ने जब तीर चलाया था, तो क्रौंच मार दिया गया था। तो फिर जब उन्होंने देखा तो उनके मुख से शब्द निकला था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम आगमा शाश्वती समा यत देह क्रौंच मिथुनात एकम अवधि का मोहिता। जो वो पहला श्लोक था, उसी से फिर वो संस्कृत का भगवान वाल्मीकि ने निर्माण किया। अगर वो निषाद ने मारा, तो उनका करुणामयी शब्द से उनको बहुत दुख महसूस हुआ, तो उनके मुख से शब्द निकले थे। ये जो श्लोक था मां निषाद, तो उसी में सारे स्वर और व्यंजन है संस्कृत के, सारे स्वर वो इसी में से होता है उसका निर्माण। तो तभी से ये चलती आ रही है। मुक्रोन से
ऐसे मतलब कि वो जो हम पढ़ते हैं वो क स अखर क्रोश से शुरू होता है, जो हम हिंदी संस्कृत का जो क वर्ग है ना वो क्रोश से शुरू होता है, उसी के मारने के तो बनाया था उन्होंने, जो सारा स्वर और व्यंजन बनाए थे। वास्तव में हमारे पास संस्कृत के जो पूरा ज्ञान नहीं है, उसी के कारण हमें पूरे स्वर और व्यंजन की जानकारी ना होने के कारण हम भड़के हुए हैं। अभिनाशा में गया, इंग्लिश में तो शब्द कम ही है ना, अभिनाशा में जब अमेरिका गए तो वहां पे बस वर्ड का रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, तो फिर वो सबसे पहले बताया कि ओम का उच्चारण होता है जी, वो तो सदियों से पहले लिख दिया है वाल्मीकि जी ने, वो सदियों से पहले लिख दिया है ओम का उच्चारण, उन्होंने ही बताया, वो ग्रामर में बताया। ओम जब बोलते हैं तो तीन है, उचारू निचारू मध्यस्था, जब ओम का उच्चारण करते हैं हमारा टंग ऊपर जाती है और नीचे आती है उससे, तो जी, सब बच्चे संस्कृत मेरी की तरफ एजुकेशन के कारण पीछे पड़ रहे हैं, से वही तो नेटवर्क मैं थोड़ा समझ चला गया रहा था, मेरी तरफ से नेटवर्क चला गया था, मैं सुन नहीं पाई। मैं अब हमारे बीच में विद्याभूषण रावत जी हैं। आप तमाम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में न केवल भारत में सफाई कर्मचारियों की स्थिति पर काम करते हैं, बल्कि आपका जो रिसर्च एरिया है नेपाल, लंदन, अमेरिका और भारत के हर एक स्टेट में, चाहे वह साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो। विद्याभूषण रावत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सफाई कर्मचारियों की दशा क्या है। ये एक इतर सवाल है कि वाल्मीकि का संबंध सफाई कर्मचारियों से है नहीं है, वो आप हमारे गुरुजी भी हैं यहाँ, रविंदर जी भी चेयर पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपसे जो मेरा सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कोरोना संकट में भी जो सफाई कर्मचारियों की जो दशा है और तमाम जो आपका जो रिसर्च वर्क रहा है सफाई कर्मचारियों के बीच, उसमें आप सफाई कर्मचारियों की दशा को कैसे देखते हैं? मैं जानना चाहूंगी कि न केवल भारत में जो सफाई कर्मचारियों की दशा है, बाहर के लोगों की जो मैनुअल स्पेंजिंग का जो काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, रिस्पेक्टिव जो जॉब की तरह एक तरह से देखा जाता है, उसको आप कैसे देखते हैं? विद्याभूषण रावत जी। जी सबको जय भीम और बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी ये इनिशिएटिव लेने के लिए। पहले तो मैं कोरोना के ही स्थिति पे आना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना के बाद जो देश में स्थिति है उससे पूरा ये देश का विभाजन जो साफ दिखाई देता है, मतलब जातीय विभाजन, जैसे हम देख रहे हैं किस प्रकार से जो लोग गाँव से आए वो शहरों की तरफ, ये लोग जो जा रहे हैं कौन लोग हैं और किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये भारत के अंदर जो पूरा विभाजन दिखाई दे रहा है। एक एक प्रभुत्व वर्ग जो प्रभुत्वशाली है वो अपनी प्रभुता को रखना चाहता है, और जब सब लोग जो है प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे थे कि हमको अपने डॉक्टर्स का, हेल्थ वर्कर्स का, सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए, तो सफाई कर्मचारी तो लगे हुए हैं उस पर शुरू से लेकर के। आप दिल्ली की सरकार ने कहा कि 1 करोड़ रुपया देंगे, विद्याभूषण जी, जी मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ जी सम्मान देने से पेट भर जाता है? नहीं, सम्मान दिया नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अभी तक आपने ये कितना देखा, बहुत सारे हमारे पास अभी सूचना आई है, मैं यूपी से बात कर रहा था, बहुत सारे सफाई जी मजदूर जो है इसमें मारे गए हैं कोरोना के उस पे, सफाई करते करते उनको उनको जब मरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट पे उनको कोरोना नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि वो पैसा देने की बात आती है। तो कोरोना वॉरियर की बात तो कर रहे हैं लेकिन ऐसे काफी लोग गुजरात में मारे गए, दिल्ली में विनोद नाम का एक लड़का मारे गया जिसको 10 लाख रुपए का जो दिल्ली सरकार ने, एमसीडी ने मदद किया, दिल्ली सरकार चुनाव से पहले 1 करोड़ रुपया देने का वादा कर रही थी, अभी 10 लाख में क्यों आ गई, जब 50 लाख की बात अब सब कोरोना वालों को कह रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स को हम, अगर उनको कुछ होता है तो 50 लाख रुपए देंगे। तो ये जो सफाई मजदूर, जो सफाई कर्मचारी है, जो काम करते करते सुबह से शाम तक लगा हुआ है, उसकी मौत पे 50 लाख रुपए क्यों नहीं मिल रहे, और बहुत सारे लोग की डेथ हो चुकी है, मतलब इसको भी क्रोनोलॉजिकली करने की जरूरत है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने का, लेकिन काफी लोगों की डेथ हो चुकी है, यूपी में भी हुई है, गुजरात में हुई है, दिल्ली में हुई है। ये जो काम करते करते कोई स्प्रे छिड़कते हुए कहीं पर किसी को जाते हुए, और इसके बारे में कोई अखबारों में कुछ नहीं आता, कहीं जानकारी नहीं है, और लोगों के घरों की हालत बहुत खराब है क्योंकि एक तरफ हम बोले सफाई कर्मचारी का सम्मान करो, दूसरी तरफ उनके पास में कुछ भी नहीं तो मरने का इंतजार क्यों करें हम उनका कि 50 लाख, जब वो मरेगा तब 50 लाख रुपए देंगे या जो भी देंगे, जब वो जिंदा है तो जिंदा में हम उसके लिए प्रयास क्या कर रहे हैं। और ये सब इसलिए भी होता है क्योंकि विद इन अम्बेडकरी आंदोलन के अंदर भी, दलित आंदोलन के अंदर भी, जो
जो स्वच्छकार समाज है उसके सवाल जो है बहुत बेहतरीन तरीके से या बहुत ईमानदारी से उस तरीके से नहीं उठाए गए हैं जो उठाए जाने चाहिए थे। और ये बहुत एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत लोग बोल भी रहे होंगे लेकिन पहले इसमें काफी कमी थी, और इसमें आप सब लोग जो हैं इन चीजों को जानते भी हैं कि भाई एक आंदोलन जब होता है बड़ा, जब हम बड़े बृहत्तर आंदोलन की बात करते हैं, तो उसमें ये सवाल बहुत सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि ये इसलिए भी है क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं, मैं तो बहुत लगातार इन जातियों के बीच में सभी के साथ में काम कर रहा हूँ, और लगातार बोल के बता बता के, क्योंकि पॉलिटिकली हम सब लोग बैठ जाते हैं कि भाई बहुजन नाम से या दलित नाम से बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, लेकिन गांव में जो है वो समाज जो है एक दूसरे के चौखट से इधर खिसकने को तैयार नहीं है, और बहुत उस पे संकट होता है। मतलब इतना दुख होता है उसको देख करके कि जिन समुदायों के बीच में हम काम करते हैं उनके अंदर भी जो है, मैं एक जगह गांव पे गया जब हमने देखा कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो जिनको कई जगह पे डोम है, कई जगह बांसपुर बोलते हैं यूपी के अंदर, उनको जो है नल से पानी पीने नहीं दिया था, मिड डे मील में उनका बॉयकॉट हो रहा था खाने के लिए, तो पता चला कि वो दलितों की दूसरी बिरादरी उनके साथ में उनको बैठने नहीं देती है नल पे। तो अब अगर इस सवाल पे हम बात करते हैं कि भाई ये आप लोग सब एक ही बिरादरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लोग उस पे नहीं सुनने को तैयार होते हैं। और अगर हमने कभी वीडियो डाला होगा तो उसको लोग बोलते हैं कि ऐसा विभाजन करने की कोशिश है, ये जानबूझ के लाया जाता है। तो ये ऐसा ये सवाल बहुत खतरनाक है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि नेपाल में एक बड़े दलित आंदोलन के साथी थे, और उन्होंने एक बार जो है लिखा कि साहब यहाँ पर जो है मैला ढोने का काम नहीं होता है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई क्यों नहीं होता, नेपाल क्या अभी इतना विकसित हो गया कि वहां मैला ढोने का काम नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि नहीं होता, आप सब इंडिया की तरह सोचते हैं, सब चीज ऐसा नहीं है नेपाल के अंदर। मैं नेपाल में गया और उन्होंने मेरे को जो है रिबटल किया एक कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं ढूंढ निकालूंगा। आप मतलब आंदोलन के अंदर ही जो साथी लोग हैं वो बोलते हैं कि साहब वाल्मीकि समाज के लोगों को बहुत पैसा मिलता है, बहुत काम करते हैं, इनको ये 2 घंटे काम करते हैं बहुत पैसा कमा लेते हैं, और इसलिए जो है ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि बाबा साहब के साथ नहीं आए, तो ये सब झूठ है। क्योंकि मेरा अम्बेडकरी आंदोलन में जो सबसे पहला रिश्ता बना वो भगवान दास जी के साथ बना, और मैं ये अपनी को जितना मुझे बाबा साहब के बारे में जो भी मिला है उनसे सबसे ज्यादा मिला। और मेरे पास ऐसे फोटोग्राफ्स भी है जब वाल्मीकि समाज और रविदास समाज के लोग बाबा साहब के घर पे बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर 1947 48 में 50 में मिल करके। तो ये कहना कि वो नहीं आए, पंजाब में अम्बेडकरी आंदोलन था, सब जगह था, और वाल्मीकि समाज के लोग भी उसमें जुड़े, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़े हैं। ये जो प्रश्न है पहचान का, अस्मिता का, इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग बहसें हैं और चलती रहती हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि हमको ये मांग करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा है कि जैसे आप लोग जो हर जगह जो होता है वो जो जो प्रभुत्व वाला होता है हर समाज में है, और उसमें जो है दूसरों को अवसर नहीं मिल पाते हैं, हमको वाल्मीकि समाज के या स्वच्छकार समाज के लोगों के लिए बिल्कुल डिमांड करने पड़ेगा स्कूल्स, बढ़िया स्कूल हो, और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की बात करनी पड़ेगी जो माननीय उदित राज जी ने बोला, जैसे सफाई कर्मचारी आयोग है, तो वो ये टूथलेस आयोग है, इनमें कुछ है नहीं, इनमें सिवाय इसके कि जिसको कोई पोजीशन नहीं मिल सकती उनको वहां अपॉइंटमेंट दे दीजिए और वो बस अपना घूम लेते हैं लाल बत्ती की गाड़ी से, लेकिन उससे ज्यादा कोई वो कर नहीं पाते। और जब ब्यूरोक्रेट्स उनके होते हैं तो वो कोई ब्राह्मण ही मिल जाता है, तो उससे ज्यादा कुछ काम हो नहीं पड़ सकते हैं। तो सफाई कर्मचारी आयोग से जैसे SC ST कमीशन है वो मजबूत है थोड़ा, या ह्यूमन राइट कमीशन है वो थोड़ा मजबूत है, तो सफाई कर्मचारी आयोग को भी इतना मजबूत करने की जरूरत है। और जो दूसरे देशों की बात की, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में जो है बहुत बुरी हालत है, क्योंकि इस्लाम में भी जो है ये बात थी, तो जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में चूड़ा जिनको बोलते हैं, या जो आज क्रिश्चियंस हैं, ईसाई जिनको बोलते हैं, पाकिस्तान के सारे ईसाई जो है ये स्वच्छकार समाज के लोग हैं, और जो इस्लाम का वहां पर जो सबसे ज्यादा पनिशमेंट उनको मिलता है ब्लास्फेमी लॉ जिसे बोलते हैं, ईश निंदा कानून, जब भी क्योंकि शहरों के अंदर ज्यादा थे तो उनको घर से अगर बाहर निकालना हो, जमीन पे कब्जा करना हो, तो इस प्रकार का आ जाएगा कि इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को गाली दिया, इन्होंने कुरान की अवमानना की। और ये आपने पिछले साल देखा हो कि जो महिला अभी कनाडा में गई है उनको शरण मिली वहां पर, वो स्वच्छकार समाज की ही महिला थी और उसके साथ छुआछूत थी, उसके एक पानी पीने की उसको परमिशन नहीं मिला, तो पानी पीने के लिए उसने जैसी एक घड़े पे हाथ लगाया तो वहां की महिलाओं ने उसको डांट दिया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बाद में उसने को जवाब दिया होगा, तो उसको कुल मिला करके ऐसे धार्मिक कानून ने फंसा दिया जिसको ब्लैस्फेमी कानून बोलते हैं, और जिसमें वहां पर इस्लामिक देशों में ब्लैस्फेमी की जो सजा है वो सजाए मौत ही होती है। तो वो हुआ, लेकिन हमको इसमें सीखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि मैं 2 साल पहले लंदन में, इंग्लैंड में एक जगह है वॉल्वरहैम्पटन, और वॉल्वरहैम्पटन के जो
जो मेयर थे वो वाल्मीकि समाज के थे, इलियास मट्टू साहब। मट्टू साहब की डेथ हो गई पिछले साल ही, लेकिन मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला और इतनी मुझे खुशी हुई कि मैंने कहा कि इस वॉल्वरहैम्पटन जो 1200 साल पुरानी म्यूनिसपैलिटी थी, उस 1200 साल पुरानी म्यूनिसपैलिटी में जहाँ एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, अफ्रीकन्स हैं और समुदाय के लोग हैं, वो सब लोग मिलकर के उनको इलेक्ट किए। और उनसे बात करते हुए उनने मैंने यही कहा कि आप, उन्होंने कहा कि मैं अगर यूके में नहीं आता तो मेरी हालत पता नहीं कहाँ होती भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आके मेरे को कोई रिजर्वेशन नहीं मिला, लेकिन बिना रिजर्वेशन के भी मैं जो हूँ एक पूरे टाउन का, इतनी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मैं लॉर्ड मेयर बना हूँ, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। और हालांकि उसी जगह पे जो है 80 के दशक में जो है पंजाब के ही अपने बेन साहब जो है पहले साउथ एशियन मेयर बने थे वहां पर, वो भी अंबेडकराइट समाज के हैं। तो मैं ये फिर एक बार क्योंकि आपके पास दोबारा फिर आती हूँ दिशा के ऊपर। आपने ये दशा जी बताई, दिशा पे मैं दोबारा फिर आपसे बात करूंगी। उससे पहले कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट का जो नारा है वो मैं बिल्कुल एकदम राजा दिवंशी जी की इजाजत लेके कहना चाहूंगी। गुरु जी की कौम का भविष्य बनाएंगे, बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, झाड़ू से कलम तक का रास्ता। गुरु जी आप हमें बताएं कि इनमें क्या संबंध है, राजा दिवंशी जी। सबसे पहले सबको जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय कबीर, जय भीम। आज का जो कोरोना संकट और सफाई कर्मचारी दशा और दिशा के माध्यम से जो आज विचार कर रहे हैं, असल में सफाई कर्मचारियों को खास करके जो इनसे जातियां जुड़ी हुई हैं सफाई कार्य की, वाल्मीकि समाज हो, डोम समाज हो, और भी कई तरह के समाज जो जातियां हैं सफाई कार्य करती हैं, मेरा तो मानना है कि कोरोना तो अभी आया, महीना 2 महीने हुए, इनको तो जब से ये सफाई कार्य में लगे हुए, इनको तो कोरोना से भी भयानक बीमारी जो है उसके इलाज के लिए जहां कुछ अच्छा कार्य नहीं किया, हमेशा सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण होता रहा। पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि सफाई मजदूर, एक सीवरेज कर्मचारी जो पूरा अपना शरीर लेकर सीवरेज में घुसता है, लेकिन बाहर उसकी जो लाश ही निकलती है, इस पे कभी भी किसी ने कोई बात नहीं करी। ऐसे हालातों में हमारा जो सिस्टम है, हमारे देश का सिस्टम है, ये तो कह रहा है कि जो शहर से लिफ्टिंग करनी है कूड़े की, जो गाड़ियां जानी चाहिए वो ढक के जानी चाहिए, उस पर तरपाल वगैरह बंद करके लेके जाना चाहिए कूड़ा, लेकिन जो इंसान, जो व्यक्ति सफाई कार्य कर रहा है, हाथों से वो कूड़ा उठाकर गाड़ी में डाल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं व्यवस्था, उसको कोई स्पेशल किट नहीं, उसको उसकी कोई व्यवस्था नहीं। और इसी वजह से हमारे सफाई कर्मचारियों को अपने जीवन की शुरुआत में ऐसी बीमारियां, भयानक बीमारियां लग जाती कि वो अपना पूरा जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाता, जहां तक कि उनके जो बच्चे हैं, परिवार है, वो भी इस शोषण का शिकार हो जाता। क्योंकि जब जो मुखिया है समाज का, परिवार का मुखिया है, उसका उसके हालात नहीं बढ़िया होंगे तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर, उसका भविष्य कैसे बना सकता है। इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं बना। अभी मैं देख रहा हूं कि कई पंजाब में भी और प्रांतों में भी 10 से 15 साल हो गए वो कच्चे मुलाजिम रखते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? 6 महीने रख सकते हैं, 1 साल रख सकते हैं, उसके बाद उसको पक्का कर देना चाहिए ताकि उसको एक सैलरी प्रॉपर, जो स्केल है जो बना हुआ अपना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी हिसाब से उसको जो है वेतन मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 4,000 में, 5,000 में, कहीं 4,000 मिल रहा, कहीं 5,000 मिल रहा, कहीं 3,000 मिल रहा, ये क्या है सारा कुछ? ये शोषण ही तो है, ये तो कोरोना से भी भयानक स्थिति में मैं की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे हालातों में कभी बात जब हम करते हैं तो दिल दिमाग में एक बड़ी एक दुख होता है
कि जिस समाज में हमने जन्म लिया उस समाज में हम हमारे समाज को कैसी सुविधाएं चाहिए, कैसा सरकार में कोई ऐसा चाहिए। हमारे एमएलए एमपी भी बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते, वो भी कोई खास आवाज नहीं उठाते। और हमारा जो केंद्र सरकार का भी स्टेट सरकार का भी जो सफाई आयोग बनता है वो सिर्फ सफेद हाथी साबित हुआ आज तक। कोई पक्के तौर पे कोई ऐसा कोई कानून कोई ऐसी व्यवस्था कि इन लोगों के लिए, क्योंकि मेरा तो ये कहना कि अगर इनकी भर्ती हो तो इनको कम से कम जो स्केल एक क्लर्क को मिलता है वो क्लर्क को वो स्केल मिलना चाहिए सफाई कर्मचारी को कम से कम, और उसकी शिक्षा उसकी एजुकेशन के अनुसार उसकी तरक्की भी होनी चाहिए। लेकिन एक सफाई कर्मचारी भर्ती होता और सफाई कर्मचारी ही रिटायर हो जाता, चाहे वो मैट्रिक पास हो चाहे वो प्लस टू हो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हमारे समाज में, तो ऐसे में हम कैसे बदलाव कर सकते हैं? क्योंकि परमपिता परमात्मा वाल्मीकि जी का उपदेश संसार का मूलधार ज्ञान ही है, और उनके हाथ में कलम, वो हमें हमारे समाज को एक संदेश दे रही है, एक इंडिकेशन दे रही है, कलम पकड़ो, इसमें आपकी विजय है, इसमें आपकी तरक्की है, इसमें आपका उद्देश्य है, इसमें हमारी मंजिल है। हम कहते हैं कि इतिहास जब पढ़ते हैं, हमारे लोग कहते हैं कि हम जहां के मूल निवासी हैं, हमारे जो पूर्वज थे जहां के शासक थे, तो जो शासक थे वो इस गंदगी के काम में क्यों लग गए? आज तो देश आजाद है, आज तो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान के अनुसार हमें सारे अधिकार मिल गए, हम फिर से पढ़ लिख सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, हर ओहदे पे जा सकते हैं, जा भी रहे हैं। लेकिन क्या है कि जहां पर जो हमारे समाज का शिक्षित वर्ग है, कुछ एक को छोड़कर बस 1-1.5% ही है जो समाज के बारे में सोचता, और ज्यादातर लोग तो ईसाई बन जाते हैं, निरंकारी, खास करके जो हमारे में वो अंबेडकरी भी बनते हैं वो भी बौद्धिस्ट ज्यादा बन जाते हैं, अंबेडकरी कम, क्योंकि अंबेडकर शब्द है संघर्ष का नाम, अंबेडकरी बनना है संघर्ष करना अपने समाज के लिए, अपने की भाईचारे के लिए, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन हम वहां नहीं करते, हम सिर्फ बुद्ध की बात ज्यादा करते हैं, बौद्धिस्ट ज्यादा बन जाते हैं, अंबेडकरी कम बनते हैं। इसलिए उनसे भी निवेदन है कि जो समाज में से शिक्षित वर्ग हो चुका उनकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि अपने समाज में जिस तरह से बाबा साहब ने ग्राउंड लेवल पर, उन्होंने कोई नेता बन के काम नहीं किया, नेता तो हमारे वो बन गए अपने आप, क्योंकि नायक बन जाता जो नायक होता है, जो हीरो बन गए हमारे समाज के, उन्होंने हमें बहुत से हमारे को की जो हम जीवन व्यतीत कर रहे थे जानवरों का, हमें एक इंसानों की पंक्ति में खड़ा कर दिया, तो वो तो हमारे नायक बन गए, हमारे नेता बन गए, हमारे महापुरुष बन गए, वो तो हमारे पूजनीय है वो तो। लेकिन उनसे हमने क्या सीखा? क्योंकि उन्होंने कहा पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। आज तक वाल्मीकि समाज में एजुकेशन 70 साल देश आजाद को भी हो चले, एजुकेशन पे प्रॉपर काम नहीं हुआ। अगर हम पढ़ लिख लेते तो हमें जुड़ने की भी बात आ जानी थी, तो संघर्ष का तो हमें पता ही नहीं, संघर्ष की परिभाषा क्या है? संघर्ष हम आपस में करते हैं, कभी हमने तालमेल नहीं बिठाया आपस में भी किस तरीके से किस ढंग से अपने, क्योंकि कारण के यही है, क्योंकि मैं जो अंबेडकर साहब की बात करता हूं, बाबा साहब की, अंबेडकर साहब ने जब काम किया तो उन्हें मुश्किलात बहुत मुझे लगता है गुरु देव जी राजा देवंश जी हमारे बीच में नेटवर्क तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनको मानते हैं, तो उसी तरीके से हमें काम करना होगा अपने समाज में, जहां भी कोई प्रोग्राम हो उसमें शामिल होना चाहिए, हमारी बस्तियों में जाकर हमारे मोहल्लों में जाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। मैं फिर दोबारा आपके पास आऊंगी, जी जी मैं फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। अभी हमारे बीच में है सागर भूमक जी, जो युवा एक तरह से सफाई युवा सामाजिक कार्यकर्ता है, आप राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के CEC के मेंबर हैं, और अभी कोरोना के संकट में आप हरियाणा से आते हैं, पानीपत से, पानीपत में बाकायदा जितने भी जो लोग हैं जो चल रहे हैं अपने अपने घरों के लिए मजदूर,
उन मजदूरों को खाना खिलाने का काम करते हैं। और मैं सब पैनलिस्ट को ये बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों सागर भूमिक जी के जो फादर थे, एमसीडी में काम करते थे, और उनकी डेथ हो गई। नौकरी करके आए थे, बिल्कुल एकदम ठीक ठाक थे, एकदम अचानक हुआ। मैं स्वच्छकार समाज की आवाज़ की तरफ से और ग्लोबल अम्बेडकर एक्ट की तरफ से आपके पिताजी को आदरांजलि देती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ। आपका ये एकदम दुख की घड़ी में समाज आपके साथ है। आपके पिता एक योद्धा की तरह जाते हुए भी मजदूरों को खाना खिला के गए हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी मतलब उसके गर्व की बात कह सकते हैं हम। और एक एमसीडी में काम करने वाले की क्या दशा हो सकती है, विद्याभूषण रावत जी ने बिल्कुल विस्तार से हमारे बीच में रखी थी। और तमाम डॉक्टर उदित राज जी जब बता रहे थे कि मजदूरों की और सफाई कर्मचारियों की क्या क्या दशा है, हमारे बीच में बिल्कुल एकदम भोगी युवा सामाजिक कार्यकर्ता है सागर भूमिक जी। आप बताएं कि सफाई कर्मचारियों की दशा कैसी है सागर जी? हाँ, कौशल पवार जी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। मैं डिबेट को सुन रहा था, बहुत अच्छा आपका प्रयास है कि आप समाज तक इस प्रयास को पहुंचा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका, और लगातार यही काम ऐसा चलता रहे, बहुत अच्छा है। अभी आज का विषय जो है वाल्मीकि समाज की दशा और दिशा के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो एक सवाल उठता है क्या क्या वाल्मीकि समाज, या जिसको या ये कहें कि सफाई कर्मी जातियों या सफाई कर्मचारी समाज जाति, तो क्या शुरू से ही जो हालात आज बन चुके हैं सफाई कर्मी जाति के, क्या शुरू से ही वो हालात रहे हैं? मेरा मानना है, मैं जान मतलब इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो शुरू से ऐसा नहीं था, ये हालात जानबूझकर के पैदा किए गए हैं। अगर हम ज्यादा इतिहास में ना जा करके, अगर हम भारतीय संविधान के बनने और बनने से पहले की और उसके बाद की इतिहास को पढ़ें और समझें, तो हम ये कह सकते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर देश की एससी कैटेगरी का अनुसूचित जाति बनाई, और जिसके अंदर अनुसूचित जातियां 1800 जातियों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। 1800 जातियों को एकता के सूत्र में बांधने का बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया, और उनका आधार था कि ये वो जातियां हैं जिनके साथ सामान्य वर्ग, इस देश का सामान्य वर्ग एक जैसा व्यवहार करता है। और वो कैसा व्यवहार करता है कि इन 1800 जातियों को छुआछूत के नजरिए से देखा जाता है। इन सभी जातियों का, 1800 जातियों का सामाजिक बहिष्कार है, और उनके तहत ही, केवल सफाई कर्मी जाति का नहीं, सभी जातियों का उसी के तहत अलग अलग प्रकार से उन सामान्य वर्ग ने अलग 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 तरीके का व्यवहार किया। आज हम विशेष बात जब हम सफाई कर्मी जाति की कर रहे हैं, तो आज की सरकारें, कोरोना टाइम आज आया है, आज हम देख रहे हैं कि कोरोना के अंदर सभी मास्क लगा के घूमते हैं, सरकारी ऑर्डर है कि मास्क लगाना जरूरी है, ग्लव्स पहनने जरूरी है। इस देश के अंदर सफाई कर्मी जातियां 1947 आजादी से पहले भी सफाई कर रही थी, और आज तक भी वो सफाई कर रही है। तो उन जातियों के पास अब तक, उन जातियों के पास आज तक जो सफाई कर्मी है, आज तक भी उनके पास कोई ग्लव्स, कोई मास्क वगैरह, दूसरे जितनी भी किट होती है सफाई कर्मी के लिए जरूरी, जो आवश्यक चीजें हैं, वो आज तक भी सरकार उपलब्ध नहीं करवा पाई है। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये सारे जो सारे काम कर रही है, ये जानबूझकर एक साजिश के तहत किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने हालात अपने आप पैदा किए हैं, ये जानबूझ करके बनाए जा रहे हैं ये हालात। एकदम स्पष्ट है कि सरकार क्या कर रही है उनको दबाने के लिए, या सरकार को ऐसा लग जी, मुझे लगता है सागर जी के नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम है, बीच में उनकी बात कट गई जी। रंजीत जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? सागर जी, आपके यहाँ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है।
जी हाँ सागर जी, हाँ जी, वो कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण ना मेरा संपर्क टूट गया था आपसे। हाँ जी हाँ जी, अभी मैं आवाज आ रही है मेरी? जी, हाँ जी, तो ये हालात जानबूझकर के पैदा किए गए हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर सभी प्रकार की समान काम का समान वेतन हो, या फिर प्रमोशन में आरक्षण हो, या आर्टिकल 17 के तहत ये कहा है कि छुआछूत दंडनीय अपराध है, लेकिन सरकारें भी उन्हीं गैर संवैधानिक काम में लगी हुई हैं। वो जैसे छुआछूत दंडनीय अपराध है, वो भी छुआछूत के तहत इस प्रथा को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। वाल्मीकि जाति एक ही, केवल अगर हम देखें तो पूरे देश के अंदर केवल और केवल एक ही जाति इस सफाई काम में लगी हुई है, और कोई दूसरी जाति इस काम को नहीं करती है, और इन लोगों का ये काम छूट ना जाए इसके लिए वो नए नए षड्यंत्र रच रही है। और क्या क्या षड्यंत्र रचती है, अभी हमने देखा देखा कि अगर आज मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी सफाई कर्मी थे, और उनको नगर निगम के अंदर सरकारी नौकरी थी, तो सरकारी नौकरी थी और उसकी ठीक ठाक सैलरी भी उनको मिल रही थी, उसी वजह से ही वो मुझे पढ़ा पाए और मैं इंजीनियर बन पाया। ये जो भी कोई लोग होते हैं, डॉक्टर बनना चाहे इंजीनियर बनना चाहे, तो कम से कम उनके पिताजी के पास पढ़ाने के लिए पैसा हो था तो वो बना पा रहे थे। लेकिन एक क्या साजिश रची, उसको एकदम ब्लॉक कर दिया गया। क्या किया गया कि ठेकेदारी प्रथा को इंट्रोड्यूस कराया गया, और ठेकेदारी प्रथा लागू करते ही समान काम का समान वेतन खत्म हो गया। समान काम का समान वेतन, जो लोग सरकारी नौकरी पर रहकर 30 से 40 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं, उसी काम को अब सरकार ठेकेदारी प्रथा के तहत इसमें काम करवा रही है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि हमारे पिता, हमें, हम हालात को जानते हैं कि हमें पढ़ाई में कितनी कठिनाइयां आई, हम किस किस तरह से हमारे पिताजी ने, हमारे माता जी ने किस किस तरीके से हमें पढ़ाया, कि तो वो देखते हुए आज अगर हम ठेकेदारी प्रथा के तहत जो काम करने वाले लोग हैं, जो 8-10 हजार रुपए केवल कमा रहे हैं, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे। ये पहली रुकावट थी इस सफाई कर्मी जातियों के लिए, ताकि वो लोग अपने बच्चों को ना पढ़ा पाए, और पढ़ा नहीं पाएंगे तो अगर फिर भी वो लोग जैसे ना कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं देश के अंदर कि स्कूलों तक उनकी पहुंच को रोकने का काम कर रहे हैं, फीस बढ़ा करके, ताकि जी, अभी सागर कांग्रेस जी, सरकार को भी। हाँ जी जी सागर जी, मैं आपके पास दोबारा फिर अंतिम टिप्पणी के लिए आती हूँ। डॉक्टर उदित राज जी से मैं जानना चाहती हूँ कि सर आपका अनुभव जो रहा है, मैंने अभी बजट की आपसे प्रश्न पूछा था, उसी से संबंधित आप इसके ऊपर बातचीत करें कि जो बजट लोकेट होता है, पीपी किट वहां तक नहीं पहुंच पाती, उनकी दशा जो आपने बताई, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए आगे, इसके ऊपर मैं आपके अंतिम टिप्पणी चाहती हूँ डॉक्टर उदित राज। नहीं, बातें मांग अभी जिसको जिसकी समस्या है उसको भी आगे आना पड़ेगा। अब दूसरों को दोष देना, अब भी चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट हो या मास्क हो, गॉगल्स हैं और पीपी किट है, ओवरऑल है, हेल्थ सूट है, ये सब कोरोना के बचत करने के इक्विपमेंट्स हैं। अब सवाल इस बात का है कि इस समाज की समस्या कि अगर समग्रता में देखें तो समाज के ही में एक विचार की, सोच की कमी। अब सोच की कमी, एक अभी पहले बार मैंने सुना है कि संस्कृत से मतलब कि वाल्मीकि जी से बुद्ध ने सीखा है। जब ऐसे लोग होंगे तो क्या समाज को मार्गदर्शन कर सकते हैं? ये सब जानते हैं कि प्रकृति और पाली भाषा संस्कृत के पहले से ही,
संस्कृत बात की भाषा है, जब अपने लोग ही बचा सकता, बात तो विचार का ही है। एक भी ऐसा लिटरेचर नहीं है जहां यह कहा जा सकता या प्रकृत में ट्रांसलेट हुआ है, लेकिन सैकड़ों ऐसे लिटरेचर है, चाहे पाहियान का देख लिया जाए, शिवसांग का देखा जाए, जहां विस्तृत वर्णन मिलता है, वहां पर यही मिलता है कि प्रकृति पाली भाषा पहले थी, बाद में संस्कृति आई, इसीलिए ट्रांसलेशन प्रकृति पाली का संस्कृत में हुआ, संस्कृत का नहीं हुआ। एक दूसरी बात है कि अब किसी को बौद्ध बन जाने से तकलीफ है, तो क्रिश्चियन बनने के तो इस नरक में खुद ही रहना चाहते हैं। अरे डॉक्टर अम्बेडकर का आरक्षण ले लोगे और बौद्ध धर्म नहीं लोगे? और का डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे जीवन का निष्कर्ष और निचोड़ ही यही था कि इस धर्म को छोड़ो, ये धर्म कभी सुधरने वाला नहीं, जाति प्रथा को। तो नौ सरपंच बन जाओ, प्रधान बन जाते हैं, मेले एमपी बन जाए, कर्मचारी अधिकारी बन जाए, तो उनके संघर्ष की वजह से जब उनके धर्म को धारण करने की बात आई तब तो नहीं। तो ये तो कंट्राडिक्शन, अंतर विरोध तो अंदर ही है, बाहर का कोई आदमी आकर के आजाद नहीं करे। और सोच की ही बात है, जैसे मेरी शादी पंजाबियों में हुई है, तो सुनता हूँ जो हमारे फादर इल्ला वगैरह है, खाली हाथ आए थे। ये अभी 8 करोड़ जो मजदूर है बिहार से और उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो एक कोई सफाई काम करते हैं, ये तो चौकीदारी कर लेते हैं, बेलदारी करते हैं, इलेक्ट्रिशियन करते हैं, मजदूरी कर देते हैं, ये तो बात मानसिकता की है। वो जब मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, आते हैं रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पकड़े जाते हैं, 2-4 दिन प्लेटफार्म पर सोते हैं, फिर कहीं जाके मजदूरी करने लगते हैं, तो बर्तन साफ करने लगते हैं, लेकिन सफाई के काम में तो नहीं जाते। जबकि यहीं के लोग जिनका कि 100-200 वर्ष पुराने रह रहे और माँ बाप की भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहे चाहे सफाई के रूप में, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो बात सोच की है और सोच अम्बेडकर बाद से ही मिल सकती है, और कोई तरीका नहीं है। और जो क्रिश्चियन बन गए वो तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने, इस मुक्ति मिल गई। ये जो दलितों का उत्थान हुआ नॉर्थ ईस्ट में, जितने आदिवासी आज वो पेड़ों पे चढ़े रहते, लंगोट पहने रहते, या मतलब रूट और सूट पर जिंदा रहते, जंगली बने रहते, ये क्रिश्चियन मिशनरियों के एजुकेशन की वजह से आपके नॉर्थ से दिल्ली से ज्यादा एडवांस है। सारे नॉर्थ ईस्ट इस पे क्रिश्चनिटी गई, रायल सीमा है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, सारे दलित सब क्रिश्चियन हो गए। पहले 150 साल पहले इनको छूता कोई नहीं था, तो जब अंग्रेज वहां से जहाज से आते थे तो इनको कपड़ा दे देते थे, इनको खाना देते थे, और धीरे धीरे ईसाई मिशनरी के बीच संपर्क में आए, आज वो सबसे ज्यादा अच्छी डेवलप्ड है। तो जब खुद ही सोच के स्तर पर ऐसा है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो सोच ही आगे बढ़ा सकती है। पैकेट तभी मांगेंगे जब सोच बढ़ेगी, सफाई आयोग को तभी दबाव बनाएंगे जब सोच होगी, जब सोच होगी तो तभी तो ठेकेदारी के खिलाफ, मैं कितने बार ठेकेदारी के खिलाफ से संघर्ष किया कि सफाई के काम में ठेका न हो, 4 आदमी नहीं आते ना, वहीं लड़े रहेंगे, यूनियन बजाय करते रहेंगे, आपस में यूनियन करते रहेंगे, लेकिन साथ नहीं आए, कभी दिखाई नहीं पड़े 1-2 लाख लोग कि भाई ये सफाई काम में ठेकेदारी प्रथा आई। दूसरा क्यों लड़ने आए भाई, सबसे पहले तो लड़ने खुद आओ, और जो ठेकेदार है वो सब लड़ने आए, क्यों नहीं लेके आते? ठेकेदार ये क्यों नहीं कहते जाति प्रथा छोड़ो, कलम पकड़ो, झाड़ू छोड़ो? सबसे पहले तो इनको आना चाहिए, मैदाने जब आते हैं तो बौद्धिक स्तर पर और चिंतन के स्तर पर, विचार स्तर पर बहुत अंतर है। और विद्याभूषण जी ने कहा, देखिए अपवाद से सच्चाई नहीं होती, कुछ लोग जरूर डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े थे, लेकिन फायदा चमार समाज, जाटो समाज उठाए,
और उधर महार समाज उठाया और कुछ और समाज के लोगों ने उठाया, जो डॉक्टर अंबेडकर के करीब गए उन्होंने उठाया, विचार का फायदा उठाया, ये भी जाए। तो ये कि किसी को कसूर करना की ओर, मैं जानता हूं जातिवाद भयंकर है, दलितों के अंदर जातिवाद भयंकर है, भयंकर है, मनुवाद भयंकर है, लेकिन अंबेडकर के विचार को अपनाते हुए आगे निकल गए वो सर, और निकलते चले जा रहे हैं। ये भी सर आपसे ऑनलाइन सर आपसे इनको सर, ये जो नेता है जितने ये भी फायदा ले ले आगे निकल जाए। सर आपसे एक सवाल पूछा है, सर आपसे किसी ने ऑनलाइन पे सवाल पूछा है, वो सवाल मैं आपके सामने रख देती हूँ, आप अगर उस पे बोलना चाहें तो आप 2 मिनट आप ले सकते हैं। आपसे सवाल पूछा है कि कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों के लिए 70 सालों में क्या किया, इसके ऊपर सवाल पूछा है आप तो मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने कहा आप जवाब देना चाहें तो दें, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं। नहीं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, और कोई सरकार, कोई सामाजिक स्तर पर कोई सरकार किसी को उठा नहीं सकती जी। हर हर समाज को, हर व्यक्ति को, क्योंकि हमारे यहाँ जो है मॉडल वेलफेयर का मॉडल रहा, ये जो समाज समाज को टच नहीं किया किसी सरकार ने और न टच करेगी। ये दो बड़े सवाल है, महिलाओं के सवाल और जाति के सवाल को कभी राजनीति ने एड्रेस नहीं किया जी जी। और न करेगी आगे, और जो करेगा उसको जाति नहीं साथ देगी, मैं ही करने लगूंगी तो मेरी जाति छोड़ देगी, दलित ही छोड़ देगी। तो ये दो मेजर सवाल है आजादी के बाद से, जो कि कांग्रेस ज्यादातर यूरोपियन मॉडल वेलफेयर का है, रोजी रोटी और शिक्षा का वो था, समाज के अंदर कोई सरकार घुसी नहीं, रिफॉर्म नहीं लाई, ये मध्यम वर्ग का था जो सवर्णों को हाथ में, मध्यम वर्ग था पढ़ा लिखा, उसने किया नहीं। तो ये दोनों सवाल उठाए ही नहीं गए हैं, तो उम्मीद मत करना कांग्रेस से या बीजेपी किसी से, उम्मीद मत करना, कोई भी पार्टी आएगी आपका उत्थान नहीं करेगी, आपको स्वयं उत्थान करना पड़ेगा, जाति व्यवस्था को ऊपर से आप खुद ही कर, आप ये सवाल ही गलत सोचते हो कि सरकार आपका कुछ करेगी जी। रविंदर जी से सवाल पूछा है ऑनलाइन में आपका, क्योंकि प्रोग्राम ऑनलाइन है, रविंदर जी से ये पूछा गया कि आपने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि सफाई कर्मचारियों का और वाल्मीकि ऋषि का क्या संबंध है जी। रविंदर जी 2 मिनट आए हैं हमारे पास, हमारे पास टाइम का कम है, मैं सिर्फ 2-2 मिनट सबके सवालों को लूंगी, सिर्फ जो मेरे पास सवाल आ रहे हैं जी। प्रोफेसर रविंदर कुमार जी, ये तो देखो शुरू से ही चलता आ रहा ना संबंध, तो ऐसे तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि रामायण है हमारा आधारित, कहूंगे रामायण को हम पूछते आ रहे हैं शुरू से, तो रामायण से जुड़ने के कारण ही हम संबंध जोड़ा हुआ है। मैंने एक वो मेरे पास एक पुस्तक थी स्वरूप विशेधार जी की, उन्होंने बताया था, एक रेफरेंस दिया था राष्ट्रकूट में, तो वहां पे जो अंग्रेज आए थे ना, जो जो जिस जिसका काम करते थे वो उसी के हिसाब से उनको जातों में डिवाइड कर दिया, जो सोने का काम करता था, जो लोहे का काम करता, उसी हिसाब से जो अंग्रेज आए थे मुगलों के बाद, तो उन्होंने इनको जो जो श्रेणी में इनका कैटेगराइजेशन कर दिया था। तो ऐसे ही जो भारत के जो पुराने मूल निवासी थे वो तो रामायण को पूछते थे, तो बाहर से जब अंग्रेज आए थे उन्होंने हमारी संस्कृति के ऊपर अटैक किया, तो उन्होंने हमें डिवाइड कर दिया। तो जो राष्ट्रकूट वाला रेफरेंस था उसमें था कि भी वो जो हमारे समाज के थे वो पढ़ना चाहते थे, वो अपने मंदिर उन्होंने बनाया हुआ था, अभी वहां पे स्वीपर टेम्पल लिखा हुआ था उसमें राष्ट्रकूट में, तो वहां पे फिर वो कहते हम ये रामायण की हम पूजा करेंगे, वो कहते आप सफाई का काम करो, तो वो वहां पे उनको सफाई का काम दे दिया, तो वहीं से फिर इनके साथ सफाई जुड़ गई, तो इन्होंने सफाई को ही अपना बना लिया सब कुछ, तो वहीं से मतलब चलती आ रही है ये परंपरा। मैंने जहां तक वो देखा है, डॉक्टर श्रू कृष्ण नार जी है लुधियाना के थे, उन्होंने उनकी बुक है सिंबल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे है वो किताब, तो उसमें ये रेफरेंस पड़ा हुआ है। बाकी इतना है को हर एक जब ये वाल्मीकि को कोई भंगी कहता है, कोई कुछ अलग अलग से कैटेगराइजेशन किया हुआ, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये, मतलब दलित जो है सारा वो वाल्मीकि है, तो इनके टोटे कर दिए। अभी पंजाब में देखो वो जो हमारे
वो एक ही है, मतलब वो मजवी सिख और वाल्मीकि, वो अपन उसमें भी तो और जो काट मार रहे हैं वो मेरे पास टाइम की कैरेक्टराइजेशन कमी उनकी है, भी हो रही है। वो मैं कहते अंतिम हैं हम सिख टिप्पणी, है क्योंकि वो पिंडों में रहने के मेरे कारण पास वो समय की बात कमी है। वैसे प्रोफेसर कैरेक्टराइज रविंद्र किया कुमार हुआ है समाज का। जी, दलित जी, प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं 2-2 मिनट आप सब पैनलिस्ट से फाइनल कमेंट चाहती हूँ। विद्याभूषण रावत जी, दिशा क्या हो सफाई कर्मचारियों की, 2 मिनट में अपनी बातचीत रखें, मेरे पास टाइम कम है। हम मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि दो चीजें हैं। एक, गांव में जो हमने बात की थी कि जो महिलाएं महिला ढूंढने का काम छोड़ रही हैं उनको 5 एकड़ जमीन सरकार दे, और जो नॉन सैनिटरी वर्क है, नॉन सैनिटरी वर्क यानी गैर सफाई काम में स्वच्छकार समाज के लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है कि सफाई फैमिली का बेटा सफाई में ही क्यों जाए, और ये जब तक नहीं होगा तो हमेशा से कई स्टेट में केवल मेरे को ये चीज जब आई कि म्यूनिसपैलिटी में एक व्यक्ति जो था उसकी माँ जो थी सफाई मजदूर थी, और जब माँ की मौत हुई तो वो नौकरी के लिए गया, और वो लड़का LLB था, और म्यूनिसपैलिटी वाले उसको केवल सफाई का काम देना चाहते थे। तो ये एक इतनी बड़ी सच्चाई है। तो एक कि नॉन सैनिटरी वर्क में, गैर सफाई काम में रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है, वो टॉप टॉप से नीचे तक, सिविल सर्विसेज से लेकर के और क्लरिकल जॉब तक। और तीसरा ये कि जो नवोदय विद्यालय टाइप के विद्यालय है, नवोदय से लेके सारे, क्योंकि स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी रिजर्वेशन ये बहुत जरूरी है अति दलित अति पिछड़ी जातियों के लिए। तो उस पर स्वच्छकार जातियां भी हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग से मैं स्कूल की बात नहीं करूंगा, अलग से स्कूल में अलग से फिर किनारे पे एक छोटा सी बना देते हैं और उसका कोई मतलब नहीं बनता है। स्कूल होना चाहिए नवोदय विद्यालय की तरह, वहां उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, शुरू से लेकर के जो प्राइमरी के लेवल पे भी जो है वो कोचिंग सेंटर्स वो गांव गांव में होने चाहिए। और जमीन का मसला बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर स्वच्छकार समाज जो है वो भूमिहीन है और आवासहीन है, और उनको गांव के और जो छोटे कस्बों के लोग बार बार धमकाते हैं कि आपको बाहर निकाल देंगे आप इस काम पे लगी। तो ये चीजें जी बहुत जरूरी है एक साथ जोड़ने के लिए, तो मेरा मुख्य बात यही है। जी मैं आती हूँ गुरुदेव जी से, राजा दिवंशी जी से, कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं राष्ट्रीय स्तर के। सर, आपका अपना स्कूल भी चल रहा है, मैं 2 टिप्पणी आपके स्कूल के बारे में जानना चाहूंगी, और मैं तमाम ग्लोबल अम्बेडकराइज और स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से आपके स्कूल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मैं सहयोग की भी अपील करती हूँ तमाम मेरे दर्शकों से। सर, 2 मिनट में आप हमारे चर्चा को वाइंड अप करें। जी देखिए, समाज की जो उन्नति तरक्की है वो शिक्षा है, क्योंकि हमने जो संस्था भी बनाई कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट, ये समाज के लिए समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार, और अभी हाल में स्कूल बन रहा है, अभी तो अभी उसके निर्माण कार्य चल रहा है, जल्दी उसमें क्लासें भी शुरू होंगी उसके बाद। तो ऐसे में है कि हमारा तो समाज से यही निवेदन कि सबसे प्रथम अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो। अगर किसी कारण शिक्षा में 8वीं में 10वीं क्लास में जो बच्चा रह गया उसको आप ये सीवरेज के काम में या सफाई के काम में मत लगाओ, उसको कोई टेक्निकल काम, कोई मैकेनिकल काम, क्योंकि तो बहुत सारे काम है, ज्यादातर हमारी जो आबादी है शहरों में बहुत ज्यादा आबादी है, तो बहुत सारे टेक्निकल काम है, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के है, और मतलब कि कार रिपेयरिंग के है, जो मोबाइल रिपेयरिंग के है, अनेकों इलेक्ट्रिशियन का काम है, अनेकों कार्य है। ऐसे कार्य सिखाओ, जैसे हमारे पंजाब में बहुत सारे लड़के जो नौजवान लड़के आज ड्राइवरी भी कर रहे हैं, ऑटो भी चला रहे हैं, और वो फल और फ्रूट सब्जी वगैरह भी बेच रहे हैं, ऐसे उन्होंने धंधे दूसरे अपनाने शुरू कर दिए। क्योंकि ये सारा है कि जब प्रयास, जब प्रचार किया हमने 25 30 40 सालों से प्रयास जो किया, आज जो नौजवान है आज वो झाड़ू की तरफ नहीं जा रहा, आज वो और कार्य जो है अपना रहा है, चाहे वो सरकारी जॉब में नहीं जा रहा लेकिन प्राइवेट भी अपने धंधे करके अच्छी कमाई और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। क्योंकि ये एक हमें प्रेरणा मिल रही है हमारे समाज से, जब कुछ एक लोग उभर के आएंगे, क्योंकि पंजाब में जब ऐसा होता है साथ ही साथ हरियाणा में भी होता है, दिल्ली हिमाचल ऐसे ही यूपी तक, क्योंकि अब जो प्रयास है कि पूरे भारत में जो वाल्मीकि शब्द के नाम से लोग बड़े जुड़ रहे हैं, इकट्ठे भी हो रहे हैं,
काम भी हो रहा, कुछ एक संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और खास करके पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है, शिक्षा सेमिनार हो रहे हैं, शिक्षा के ऊपर काफी यानी कि प्रोग्राम हो रहे हैं, कुछ ये प्रोग्राम होने भी समझ लो एक तरक्की का चिन्ह है कि जब प्रयास जो होते हैं छोटे छोटे प्रयास है वही आगे जाके बहुत बड़ा सार्थक जो है रूप बन जाते हैं और प्रैक्टिकल शेप में अपना जो है स्वरूप बन के आते हैं। तो ऐसा जो प्रयास है हम सबको करते रहना चाहिए और खास करके वाल्मीकि समाज की तरक्की शिक्षा में है, क्योंकि परमात्मा वाल्मीकि महाराज के हाथ में कलम थी, उन्होंने अपने ग्रंथों की जो रचना करी, सतगुरु रविदास महाराज ने भी कलम उठाकर वाणी की रचना की, सतगुरु कबीर जी महाराज ने भी कलम उठाकर ब्राह्मणवाद का भंडाफोड़ किया, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कलम उठाकर संविधान की रचना करके आज हमें जो व्यवस्था अच्छा जीवन जीने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, बाबा साहब का जीवन, उनका जो फलसफा है, उनके जो बनाए हुए कानून है, उनके लिए हमें अपना जो जीवन है अच्छा बनाना चाहिए, यही सभी को संदेश है। हमारे महापुरुषों के ज्ञान से जुड़कर ही हम आगे निकल सकते हैं और आज तक हमने अपने महापुरुषों का जो ज्ञान है उसको अपनाया नहीं। हम बातें करते हैं बाबा साहब की लेकिन काम कर रहे हैं गांधी का, हम बातें करते हैं भगवान वाल्मीकि जी की, काम करते हैं रामकृष्ण का। अब हमें बातें नहीं, अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग, उनके उद्देश्य, उनके उपदेशों पर चलकर ही हमारी मंजिल है, हमारे समाज की तरक्की है। हमने फिर से इस देश के शासक बनना है, हमने फिर से अपनी कौम का जो इतिहास है सुनहरे शब्दों में लिखना है, अपने महापुरुषों की आवाज बुलंद करनी है। इसके लिए सभी से निवेदन है कि आज हम सब इकट्ठे होकर एजुकेशन पर, शिक्षा पर अपने ध्यान जो है लगाएं। जय वाल्मीकि, जय गुरु रविदास, जय कबीर, जय भीम। जी सागर जी, अंतिम टिप्पणी, सफाई कर्मचारियों की दिशा क्या होनी चाहिए? जी जी जी, एक मैं बात रखना चाहूंगा, रविंद्र जी से अभी सवाल पूछा गया था, वाल्मीकि जी से क्या संबंध है, वो वाल्मीकि जाति का या सफाई कर्मी जाति का, वो जवाब नहीं दे पाए या उन्होंने देना नहीं उचित समझा। मैं एक बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, बाबा साहब सागर जी, ये वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा, वॉल्यूम रखिए, थोड़ी सी ऊंची वॉल्यूम रखिए, आवाज जी थोड़ा सा ऊंचा बोलिए जी। ये वॉल्यूम फर्स्ट है बाबा साहब अंबेडकर की, इसमें बाबा साहब अंबेडकर की इस वॉल्यूम में जातिगत जनगणना के आंकड़े दिए गए हैं, 1931 की जनगणना के आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें कहीं पर भी 1931 की जनगणना के अंदर कहीं पर भी वाल्मीकि शब्द नहीं आया है। जनगणना का क्या होता है कि जनगणना ऑफिसर आपके घर आता है, आपसे पूछता है कि आपकी क्या जाति है, और वो ही व्यक्ति बताता है कि मेरी फला जाती है, तो इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होता। लेकिन दबाव नहीं था किसी का, फिर भी किसी ने इस 1931 की जनगणना में अपने आप को वाल्मीकि साबित नहीं किया, ये मैं समझता हूं। और के वाल्मीकि जाति शायद बाद में इस नाम को प्रचारित करके जोड़ा गया है वाल्मीकि सफाई कर्मचारी जाति के साथ, एक नया षड्यंत्र मैं एक उजागर कर दूं, एक नया षड्यंत्र चलाया जा रहा है खासकर हरियाणा और पंजाब के अंदर, तो वो षड्यंत्र है कि समाज को बांटने का, अनुसूचित जाति के दो दो टुकड़े कर दो, उसको एससी ए और एससी बी के नाम पे दो टुकड़े करने का एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, जो सरकार स्पेशल इस काम को कर रही है कि वाल्मीकि जाति को ये सिखाया जाता है, अलग अलग कैडर दिए जाते हैं आरएसएस की तरफ से, कि वाल्मीकि जाति का सारा का सारा हक अधिकार चमार जाति या कोई दूसरी जाति का अधिकार चमार जाति या दूसरी। सागर जी, मैं आपको टोकना चाहती हूँ, मेरा प्रश्न आपसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपने शुरू किया है और मेरे पास टाइम कम है क्योंकि हम लास्ट कमेंट चाहते हैं, मुझे बस इतना बता दीजिए लास्ट टिप्पणी में कि सफाई कर्मचारी और स्वच्छकार समाज की दिशा क्या होनी चाहिए, क्या आप जो ने संस्कृत के अभाव के कारण, रविंद्र जी ने बात की थी मैडम कि संस्कृत के अभाव के कारण इनकी ये हालात हो गए हैं, और मेरा मानना ये है और वही वो दिशा भी वही है, और ये संस्कृत के अभाव के कारण नहीं इनका ये हाल हुआ है,
ये साजिश के तहत हुआ है, ये इनका हाल अगर ऐसा है या उनको सुधारा जा सकता है वो संस्कृत के अभाव के कारण नहीं, संविधान की जानकारी और कानून के जानकारी के अभाव के कारण इनका ये हाल है। इसलिए उनको कानून की जानकारी के बारे में और संविधान की जानकारी होनी जरूरी है, और जब तक समाज के अंदर इस प्रकार की कोई जागृति, अपने हक अधिकार के प्रति जागृति नहीं आएगी, उस समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि वही यही कमजोर कड़ी होती है कि हम अपने हक अधिकार के प्रति हम जानते भी नहीं है, और हम उस हक अधिकार को ना जानने के अभाव में, कानून को ना जानने के अभाव में हम दुश्मन की साजिश का शिकार बनते हैं। वो एससी वर्ग ए की लड़ाई हमारे बीच में छोड़ता है, हम एससी वर्ग ए की लड़ाई लड़ते हैं। अब वो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हमारे बीच में छोड़ता है, हम अपने हक अधिकारों को छोड़कर दुश्मन के सिखाए हिंदू मुसलमान के रास्ते को अपना लेते हैं, दुश्मन के सिखाए एससी ए और बी के रास्ते को अपना लेते हैं, जबकि वो सारा का सारा समाज को तोड़ने का एक रास्ता है। हमें समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक ही काम करना चाहिए कि समाज में जो फैल रही आरएसएस या बीजेपी सरकार की जो एक षड्यंत्रकारी जो नीतियां हैं उनको उजागर करके ही हम अपने अपने समाज को ऐसी समाज को जागृत कर सकते हैं, और उन युवाओं को जागृत करके हम अपने अधिकार बड़े ही आसानी से लेकर, और यही हमारी दिशा होगी, हम संविधान और कानून के प्रति जागृत होंगे तो ही हम कामयाब हो पाएंगे। जय हिंद, जय संविधान। आज की इस चर्चा में हमारा विषय था कोरोना संकट में सफाई कर्मचारियों की दशा और दिशा। इसमें मैं थोड़ी सी अपनी बात दो लाइन में सिर्फ कम्प्लीट करना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण बहुत जल्दी कर देते हैं, हम अपने तरफ नहीं झांकते, हमारा अपना समाज कहाँ खड़ा है, क्या वो सफाई कर्मचारियों की दशा को बदलने के लिए तैयार है। अगर कोई बाहरी ताकत हमारे ऊपर आती है तो हम बहुत आसानी से उसके ऊपर ब्लेम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि हमारा समाज भी कहाँ खड़ा है। इसलिए आज की हमने चर्चा का विषय रखा था कि सफाई कर्मचारियों की दशा क्या है और उनकी दिशा क्या होनी चाहिए। तमाम बहुत सारी टिप्पणियों के बावजूद वह सागर जी की बातचीत जो सागर ने बीच में ए और बी का आंकड़ा दिया, इस पे हम विस्तार से रंजीत बोध जी के साथ ग्लोबल अम्बेडकर राइट की तरफ से आरक्षण जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन भी आया था उसके ऊपर हमने तमाम चैनल पे इसके ऊपर डिबेट की, और ये डिबेट एक सौहार्दपूर्ण तरीके से इस तरीके से निकल के आई कि सवाल ए और बी के बांटने का नहीं है, सवाल ये भी है कि जो वंचित वर्ग है दलितों में उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिले जो अभी तक नहीं मिला। विद्याभूषण रावत जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी, वो ये थी कि जो सफाई कर्मचारियां हैं, कर्मचारी जातियां हैं, स्वच्छकार समाज की जितनी जातियां हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में जहां जहां जिस नाम से जो पुकारी जाती हैं, दलित जातियों के अंदर भी वो भेदभाव का सहन करती हैं, जहां कहीं ना कहीं एक हायरार्की जो सिस्टम है, रिसंस्कृतिकरण जिस तरीके से हमें इन जातियों में दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं वंचित वर्ग ये मांग करता है कि जो आरक्षण जो प्रतिनिधित्व है उन जातियों तक नहीं पहुंचा। हमें यह भी देखने की जरूरत है कि हम झांक के देखें क्या हमारे पास वाकई ये आंकड़ा नहीं है कि हम समाज का वो वर्ग जो बिल्कुल समाज में दलितों के साथ अंदर भी बिल्कुल नीचे के पायदान पे है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। इसका एक सीधा सा एक हमारे पास था कि हम समीक्षा ना करके क्रिमिलेयर लागू ना करके हम एक या तो पंजाब स्टेट की गवर्नमेंट जो एक तरह से रिजर्वेशन जो वाल्मीकि को जो नीचे की तबके को दे रही है उसके आधार पर अपनी बातचीत रखे आरक्षण की मांग करे, या फिर हरियाणा में जो पहले था एससी ए और बी इसको हम बजाय बीजेपी आरएसएस फला डिकड़ा मुकड़ा इसकी तरफ से ना देखें बल्कि इस तरफ से देखें कि ए और बी के बंटवारे से दिक्कत क्या है। अगर रिप्रेजेंटेशन बी जाति को मिल जाता है और वहां अगर आपको सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो पोस्ट सीधा ए को जाए, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ गई, इसमें बीजेपी आरएसएस फला डिकड़ा मुकड़ा कहाँ से आया। ये राष्ट्रीय नीतियां हैं, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज है जो पहले कांग्रेस की सरकार थी उससे अब वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार का है, या तमाम जो अक्षेत्रीय पार्टियां दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी है या बाहर जितनी भी अक्षेत्रीय पार्टी है, जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों में के अंदर भी जो रिप्रेजेंटेशन की आवाज जो अगर मैं आज नहीं उठा पा रही, सागर जी इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, आप नहीं बात करेंगे, लेकिन आने वाला समाज करेगा, वो अपना अधिकार मांगेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का मूल मंत्र ही है समानता का अधिकार, वो स्त्रियों की समानता भी है, वो तमाम उन वंचित तबकों की जिनके ऊपर आरक्षण नहीं उन तक पहुंचा उसको हम सीधे
और बहुत सौहार्द, बहुत सहनशील होकर, बहुत संवेदनशील तरीके से इसके ऊपर बात करें, बजाय हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें। खैर, हालांकि ये टिप्पणी थी एक सागर जी की बातचीत के ऊपर मैंने कही। हमारा विषय जो आज का था वो दशा और दिशा में ही था, और जो सफाई कर्मचारी जातियों की दिशा है उसमें महत्वपूर्ण कड़ी जो तमाम पैनलिस्ट को सुनने में आई वो निकल के आया कि शिक्षा सबसे बड़ा हमारे पास औजार है, समाज की तरक्की शिक्षा के माध्यम से होगी। प्रोफेसर रविंदर जी जो आज वाल्मीकि चेयर पे बैठे हुए हैं, रिसर्च फेलो हैं पटियाला यूनिवर्सिटी पंजाब के, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में हमें वाल्मीकि को पढ़ा के उनकी शिक्षा को भी देखने की जरूरत है। उनके हाथ में अगर कलम है तो उनकी जातियां जो जो उसको मानती हैं उनके हाथ में झाड़ू कैसे है, और वो ये इतना संवेदनशील हम सबसे जुड़ा हुआ पैनलिस्ट से है कि इसको बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से देखने की जरूरत है। वो रिप्रेजेंटेशन में भी आएगा, वो तमाम इंडस्ट्री में आएगा, प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, इंडस्ट्री में आएगा, मीडिया में आएगा, फिल्म इंडस्ट्री में आएगा, तमाम जीवन के क्षेत्रों में हमारे बीच में आएगा। मैं आज इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करती हूँ कि हमारी सफाई कर्मचारियों की दिशा सिर्फ एक ही है, और वह है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ एजुकेशन का सबसे बड़ा हथियार। मैं तमाम मेरे श्रोताओं से, तमाम जो हम सबको जो पैनलिस्ट को सुना उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबको मैं जय भीम बोलती हूँ। गुरुदेव राज अधिवंशी जी, सागर भूमिक जी जो हमारे युवा एक आवाज हैं, विद्याभूषण रावत जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, लंदन, कनाडा, नेपाल, पाकिस्तान, आपने सबकी हालत को देखी है, आपसे और ज्यादा विस्तार से हम सुनेंगे। रविंदर जी, और सबसे बड़ी बात हमारे बीच में डॉक्टर उदित राज जी, क्योंकि बहुत टाइम हमने ले लिया था, चले गए हमारे बीच में से। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ। जय भीम, जय भारत।